क्या बात है, आजकल हमारी बेगम साहिबा बहुत ही बिजी हो गई, मेरे लिए वक्त ही नहीं। तो आपकी मॉम ने ही बिजी किया ना मुझे, तो पूछ लें उनसे। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सास और बहू की जो केमिस्ट्री है, इसके बीच में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो नहीं मानेगा। मैंने सोचा था जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका बचपना खत्म हो जाएगा, वो जिंदगी को सीरियसली लेना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखना, वो 2-4 दिन घर ही वापस नहीं आएगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सोचने तो दो आपदा। एक आइडिया आया मेरे जहन पे। आपको पता है जो सैलून में सारी प्रोडक्ट्स यूज हो रही है ना, वो सब एक्सपायर है। नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं अम्मी, मुझे अच्छे से पहचान है एक्सपायर प्रोडक्ट्स की। मैंने खुद उजार चेक किए थे, उसमें जितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं वो सब एक्सपायर हैं। मामा मुठियां भर भर के फीस हमारी पे करती हैं, और तुम अगर फेल हो गई तो? अब मुठ्ठी भर भर के मेरी फीस पे नहीं करेगा, आज से पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई। पागल हो गई हो तुम, ताने मारोगी तो पागल ही होगी ना। बस बस बस, क्या हो गया? कभी पहले तो तुम दोनों ऐसे नहीं लड़ी, जब से वो भाभी इस घर में आई पता नहीं क्या चल रहा है। क्या मतलब है मैम, आपको हम पे शक नहीं, यकीन है कि हम में से किसी एक ने चोरी किया है? अम्मी, आप तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है मैंने कहीं इधर उधर रख दिया हो। नहीं नहीं बेटा, मैंने कभी भी कोई ज्यादतियां जोर में लड़कियों पे नहीं किया, पूछ लो इनसे। अगर खुदा ना खासा कोई चोर निकलती है तो उसको सजा तो जरूर मिलेगी ना। जाओ बैग लेके आओ, चलो। सख्तियां बढ़ रही हैं। तुम्हें ऐसे ढूंढ रहे हैं जिसे मौत का फरिश्ता ढूंढ रहा होता है। समरा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वक्त कम नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है। मैं ज्यादा देर कुछ नहीं कर सकती, मुझ पे बहुत शक कर रहे हैं, कड़ी नजर रखी हुई है मुझे। कई दिनों से देख रही हूँ आप एक कश्मकश में, नहीं देख सकती मैं आपको ऐसे। तो क्या करें हम, क्या करें? तुम्हारा बादल ने बर्बाद कर दिया हमको। मेरा बादल नहीं है वो, मेरे आप हैं। अगर आप मुझ पे भरोसा करें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ बादल को पकड़ने में। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई बादल, मेरा वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। वापस जाऊंगी तो मरी जाऊंगी, तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। अच्छा, तुम मेरी ब्राइड हो। एक सदा मेरे अंदर से, अल्लाह तुम जैसी बेटी तेरे करम की भीग जो मांगू हर किसी को दे बेटा। लेके उठूं तेरे दर से। इंसान कुछ भी बना लेना, अल्लाह की बनाई हुई चीज की खूबसूरती ही अलग है। हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग का काम ज्यादा है। ये आपका स्कार्फ हमारे ऑफिस में अलाउ नहीं है। जॉब से कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ मैं, नहीं हिजाब से नहीं। बाहर निकलने के लिए ना खुद को सोसाइटी के हिसाब से ढालना पड़ता है भाई, आजकल की डिमांड है। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। मेरा नाम भी आयशा है। आयान के सबसे बड़े फ्रॉड का पता ही नहीं चला। उसने प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी बैंक में रखवा के बहुत बड़ी रकम वसूली है। क्या 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 छुपाएंगे हम लाइबा के ससुराल वालों से? उनका मुंह बंद करवाने के लिए तो कुछ बच नहीं गई। क्या करेंगे हम? कैसे होगा सब कुछ? रूफिया फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहा था एज यूजुअल। बहुत परेशान रहता हूँ तुम्हारे लिए। अब्बू आप रूफिया भाई से प्लीज कह दें कि मेरे लिए फिक्रमंद मत हो, मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी से। आपने कहा था कि अगर भाई जरीम को तलाक दे दे तो आप एक बहुत बड़ी रकम देंगी। हाँ कहा था। तो मैं डील पक्की समझू? ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ? मेरे हाथ जो सोने की चिड़िया लगी है उसको छोड़ दें आप। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि फायज कुछ दिनों में हरीम को तलाक दे देगा। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, आओ बैठो। नहीं आंटी, जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करेंगी ना, मैं भी नहीं उठूंगा। सदके मुझे आपकी चॉइस पर जरा भरोसा नहीं है। असर और मेरी शादी की शॉपिंग मैं खुद करूंगा, कोई और नहीं। अरे भला ये क्या बात हुई, पहले ही ब्लैंक चेक देके आ रही हूँ, जान अटकी हुई है मेरी। आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग उसमें से एक रुपया भी नहीं निकालेंगे। इस ब्लैंक चेक का मतलब है कि एक कौड़ी भी ना निकाली जाए। अम्मा, आप उनकी अच्छी डीड को नेगेटिव एंगल क्यों दे रही हैं? अम्मा लोग ठीक लगे आपको? मुझे तो फैमिली बहुत अच्छी लगी। मेरा तो पता नहीं क्यों दिल नहीं ठुकरा। क्या हम इस रिश्ते को थोड़ा और वक्त नहीं दे सकते थे? हमारे लिए ज्यादा खुश हो तुम्हें अपनी मोहब्बत जो मिल गई, और ये लाचीज दिल भी किसी के काम आ सका। आपको आपकी मोहब्बत नहीं मिली? मिली है, लेकिन खुशी मुझे ज्यादा तुम्हारे लिए। निहाल साहब, आपके भाई के घर जो वाकया पेश आया था, आप लोगों ने पुलिस कंफर्म भी नहीं किया। और ना कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें इस मामले की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी। ये एक हादसा था, इसको बस हादसा ही आप तसव्वुर कीजिए, दैट्स इट। मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैंने अपना बेटा मार दिया, मैंने मार दिया। मुझे सजा मिलेगी ना, बहुत सजा मिलेगी ना, मुझे सजा मिलेगी ना, मुझे सजा चाहिए। दिल की बात अगर कहना चाहो तो आप मुझसे कर सकती हो बच्चे, कभी भी। ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो जिंदगी का मुहाज लड़ना बाकी है।